So do you feel that is there any impact on your sales due to this pandemic? So good morning everyone, welcome back to the channel. और मैंने शाम तो बहुत बार दिखाई है आप लोगों को कि शाम को देखो 9 बजे तक धूप निकली हुई है, 9:30 तक धूप निकली हुई है. तो मैंने आज सोचा आज आपको सुबह सुबह भी दिखा देता हूँ. अभी बजे सुबह के 7:30 और पहली बार जब से हम यहाँ पे आए हैं हमने सोचा आज मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या नज़ारा है. तो चलो अभी थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं आपको भी कैमरा टर्न करके और फिर उसके बाद मिलते हैं. तो यार सुबह 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 चलने का मजा तो है. नहीं जगह हरियाली है, देखना तो एकदम ग्रीनरी कितनी है. एक्चुअली हम लोग लेट उठे हैं लेकिन ये धूप जो है ऑलमोस्ट 6:30 के आसपास निकल जाती है सुबह को. तो मतलब रात को 9:30 बजे तक धूप रहती है, 9 से 9:30 तक, और सुबह 6 बजे तक धूप निकल जाती है. अभी देख लो कितने घंटे की रात रहती है. और ये है मेन एंट्रेंस हमारे सोसाइटी का. तो ये पूरा एरिया जो है ये हमारे घर के आसपास का है. तो अभी तो हम वहाँ पे मेन रोड पे थे, वहाँ तो अभी मेन रोड पे थे वो, और अभी मेन रोड से आ चुके हैं हम ये अंदर के रोड पे जहाँ पे लोगों के घर हैं. उधर बंदा एक रनिंग कर रहा है और इनके सबके अपने घर हैं. तो गाइस चलो अभी मॉर्निंग वॉक वगैरह खत्म हो गई है. तो भैया ये गैरेज सेल जो होता है ना, गैरेज सेल ऐसा रहता है कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं अमेरिकन या कोई भी है ना, तो उनके पास जैसे सपोज पुराना सामान कुछ पड़ा है, पुराना फर्नीचर है, कपड़े हैं, कुछ भी घर के आइटम है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको अपने घर के बाहर टेबल पे लगा के, और वो मतलब एक से ज्यादा फैमिली भी एक साथ मिलके सेल लगाती है. सपोज थोड़ा थोड़ा सामान है तो वो 2-3 फैमिली एक साथ मिलके किसी एक के घर के बाहर रख लेते हैं सामान को, और फिर उसको फेसबुक पे उसका एड डालते थे. तो फेसबुक पे लोग देख के जाके सस्ते में बहुत सारा अच्छा सामान भी मिल जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी आइटम रहते हैं, नए आइटम भी रहते हैं जो बिल्कुल जिनकी पैकिंग भी खुली हुई नहीं होती. अब वो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आते हैं, बाकी मैं आपको चलो चल के दिखाता हूँ. भैया अभी हम आ चुके हैं गैरेज सेल में. मेरा फेस आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या रहता है कि ऐसे कुछ सामान रख के रखते हैं ये लोग, और ऐसे टेबल वगैरह पे, ये इनका घर है और यहीं पे इन्होंने सारा सामान लगाया हुआ है टेबल पे. तो उन्होंने मेरे को बोला है कि हम लोगों को रिकॉर्ड मत करो, बट या यू कैन रिकॉर्ड वॉट एवर यू आर डूइंग. सो आप देख सकते हो यहाँ पे टीवी भी है और बहुत सारा स्टफ है, कपड़े हैं. सो ये आप इसको चाहे आप कबाड़ी बाजार बोलो क्या है, बहुत सारे न्यू आइटम भी रहते हैं, बहुत सारे पुराने आइटम भी रहते हैं. तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, कितने डॉलर का है जिसपे इन्होंने चिट लगाई हुई है. बाकी मैं उनको पूछ नहीं सकता बिकॉज उन्होंने किया है कि उन्होंने बोला है कि हमें रिकॉर्ड मत करो, बाकी जो आपको रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करो. और धूप की वजह से शायद यार मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, आई एम सॉरी. सो चलो मैं कैमरा टर्न करके आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है यहाँ पे. कुछ तो आइटम्स हैं जो कि हैं इसके 1.5 डॉलर के हैं, कुछ हेयर बैंड वगैरह हैं समथिंग. यहाँ पे ये छोटा सा एक टीवी है, इसके ऊपर यहाँ पे एक सीनरी भी है जो आप खरीद सकते हो. ये कुछ तो है 7 डॉलर का. इधर कपड़े वगैरह हैं, कपड़े कितने के हैं, कपड़े हैं 3-3 डॉलर के हैं, मतलब इनके कुछ यूज्ड हो सकते हैं और पता नहीं, आई डोंट नो. तो हम कपड़े वगैरह प्रीफर कुछ नहीं करते वैसे. और 5 डॉलर में सैंडल हैं, उसके बाद ये भी 5 डॉलर का है. ये शायद उसको वो गर्म करने का है जो सब्जी वब्जियाँ डाल के उसको गर्म कर सकते हो.
और यहाँ पे पानी का है, और ये है अपना शायद पैरों का वो लेने का कि गर्म पानी वगैरह डाल के समथिंग कुछ, तो आई डोंट नो। और इसके साथ साथ फिर यहाँ पे स्ट्रॉलर जो कि बच्चों का है, और ये है यहाँ पे जो कि जो अपाइज लोग रहते हैं ना उनको बैठा के चलाने की गाड़ी। और इधर प्रिंटर, प्रिंटर $10 का है, $10 मतलब ₹700 का प्रिंटर है। यहाँ पे एक और दूसरा प्रिंटर जो $5 का है, $5 मतलब 300-350 रुपये का, ये यूज्ड है और वो शायद नया दिख रहा है मेरे को जो $10 का है। और इधर कुछ कप प्लेट का पूरा इतना बड़ा सेट जो कि $7.50, कुछ लेडीज़ पर्स वगैरह हैं। तो इधर और कुछ मेकअप का आइटम, और तो ये है गैरेज सेल ऐसी। और बाकी इसके अलावा एक और गैरेज सेल है, वहाँ पे भी चल के दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ वो यदि रेडी होते हैं बात करने के लिए तो उनको दिखाऊंगा। बाकी तब तक यहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है हमारे मतलब का तो वो लेते हैं। धूप की वजह से शायद आपको अच्छा दिख नहीं रहा होगा, तो मेरी आँखें भी नहीं खुल रही हैं। तो चलो अभी इसको मैं यहाँ पर टर्न ऑफ करता हूँ कैमरा, अदरवाइज़ उनको लगेगा कि पता नहीं क्या रिकॉर्ड ही करने आए शायद, ये कुछ खरीद नहीं रहे। सो हाउ ऑफन डू यू पुट दिस सेल? So do you put regularly like every month or just whenever you have the stuff available? Okay, every week. Okay. So do you feel that is there any impact on your sale due to this pandemic? Or with this pandemic, no impact. No. Okay, that's yes, yes, we do. Yes, we do. Okay, yeah, because I feel, because so many people they feel that we should not go out to and buy something, yeah. Like yeah, we do. Yeah, we saw a lot of proof. Okay. Yeah. She make it like once a week, sometimes every 2 weeks. Okay. All depends. Yeah. So you guys are speaking Spanish? Yeah, okay, great. They know English, but they don't know how to fluent. Oh, okay. Lazy, you know? okay, thank you. Yeah, that her nice. Because her daughter is living here, sometimes she makes it here. Okay. This is the first time because she just moved here. Oh, okay. But she also makes her own house a lot. Oh, okay. So it's a multi family sale or? Family man. Okay. Okay. Great, thank you. उनसे बात की मैंने तो वो बोल रहे थे कि वो एवरी वीक सेल लगाते हैं ये, और ये मल्टी फैमिली मतलब दो तीन फैमिली मिलके लगाती हैं, और ओब्वियसली इनकी सेल पे भी इम्पेक्ट पड़ा है ये सब कोरोना की वजह से। सो फेस नहीं दिखा पाया, सॉरी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया क्वेश्चन पूछने का। सो आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताओ। लेकिन अभी हम सोचे अभी सेकंड दूसरी वाली सेल पे जाते हैं, दूसरी जगह हमने दो एड्रेस निकाले थे और फेसबुक पे ही डालते हैं एक्चुअली ये ऐड अपना कि ये सेल लगा रहे हैं फोटो वगैरह खींच के, और ये अभी शाम के 6 बजे तक रहेगी। तो चलो अभी दूसरी सेल पे चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो बंदा रेडी होता है क्या बात करने के लिए। यहाँ पे भी एक सेल है मेरे पीछे आप देख सकते हो। सो मैंने इनको पूछा है वैसे रिकॉर्डिंग के लिए, तो इन्होंने बोला कि नहीं यार रिकॉर्डिंग मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि डर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं किस चीज़ के लिए रिकॉर्ड कर रहा है, क्या है, कहीं कुछ करना दे, है ना, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो। अभी मैंने फिर ज़्यादा कुछ फोर्स करने का कोई मतलब बनता नहीं है, सो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया नहीं है आपको, लेकिन मेरे पीछे सेल दिख रही है। सो चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से देखते हैं कुछ अच्छा है तो, नहीं तो फिर ठीक है चलते हैं फिर आगे और घर चल के बात करते हैं। ये थी गैरेज सेल, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं आज गैरेज सेल भी, यहाँ का कबाड़ी बाजार समझ लो, चोर बाजार कुछ भी कह लो, है ना। तो लेकिन यहाँ पे लोग बाग गैरेज सेल करके पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, जैसे अपने यहाँ पे वो चलता है ना OLX, तो ऐसे यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस चलता है और भी बहुत सारी ऐप हैं, इंडिया में भी फेसबुक चलता है, तो ऐसे पोस्ट डालते हैं लोग, और बहुत सारे लोग मल्टी फैमिली जाते हैं। जो सेकेंड वाली सेल थी वो एक सिंगल फैमिली की सेल थी,
ओके, तो वहाँ पे स्टेप बहुत सारे थे लेकिन कुछ ज़्यादा मेरे को तो समझ में नहीं आए, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके जो कुछ काम का रहता है सस्ते में मिल जाता है, ले जाते हैं। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसी लगी ये गैरेज सेल और कैसी लगी ये वीडियो। तो अभी से मैं जाऊँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, तो चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो सॉरी मैं सेकेंड वाली गैरेज सेल ज़्यादा नहीं दिखा पाया, है ना। तो चलो, आपको लोगों को यदि वीडियो पसंद आई है और आपने यहाँ तक देख लिया, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वो वीडियो कैसी लगी है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। I don't keep it.